हेलो चिल्ड्रेन टूडे आई टेल यू अबाउट एडिशन दैट इज एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स सो द साइन ऑफ एडिशन इज दिस प्लस साइन वेन विल बी डूइंग एडिशन दिस इज़ दाइन वी नीड टू पुट ओके एडिशन का मतलब है किसी चीज को एड करना तो ऐड करने के लिए हमारे पास जो साइन आता है वो है ये प्लस का साइन अब ये चीज मैं आपको एक्सैम्पल के थ्रू समझाऊंगी फॉर के जी चिल्ड्रन के जी के जो बच्चे होते हैं उनको एडिशन किस तरीके से सिखाया जाता है उनको बोला जाता है कि जो नंबर ऊपर लिखा है उतने लाइन्स खींचो फिर जो नीचे लिखा है उतने लाइन्स खींचो और उन लाइन्स को आप प्लस करो ठीक है इस तरीके से भी आप करा सकते हो ये बेसिकली बच्चे को एडिशन इंट्रोड्यूस करने के वक्त काम आता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो माइंड में कैलकुलेट नहीं कर सकता और वो बच्चा फिंगर्स पे भी नहीं कर सकता इतनी जल्दी लेकिन जो लाइंस ड्रॉ हुई होंगी उनको काउंट करके करना उनके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है इसी वजह से हम बच्चों को लाइंस करके केजी तक में कराते हैं लेकिन केजी के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स जो बच्चे होते हैं उनको हमें माइंड में करवाना और फिंगर्स पे करवाना सिखाना चाहिए इससे क्या होता है कि वो अब जैसे जैसे आगे क्लासेस में जाते जाएंगे वो एडिशन करना उनके लिए और आसान हो जाएगा वो टोटली लाइन्स पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ठीक है अकॉर्डिंग टू द एज द वे ऑफ टीचिंग एंड द मेथड ऑफ मेकिंग द थिंग्स ईजी टू द चिल्ड्रन डिफर्स तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे फोर इज रिटन ओवर एज यू कैन सी वी विल ड्रॉ फोर लाइन्स वन टू थ्री फोर ओके आफ्टर दैट वी कैन सी यू हैव गॉट नंबर थ्री सो वी विल ड्रॉ थ्री लाइन्स नाउ यू विल एड ऑल द लाइन्स टूगेदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके सो वी गॉट दी आंसर सेवन अगर आपके बच्चे को एकदम से माइंड में कैलकुलेट करना नहीं आ रहा या फिंगर पे नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो यू डोंट नीड टू स्ट्रेस योर वॉट। बच्चे को टेंशन देने की जरूरत नहीं है हर बच्चे का सीखने का टाइम अलग होता है कुछ बच्चों को जल्दी समझ आता है कुछ बच्चों को काफी देर लग जाती है समझने में लेकिन हमें किसी के भी ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना क्योंकि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है ठीक है अब इस तरीके से आप यहां आ जाइए टू ऊपर लिखा है टू और उसके बाद नीचे लिखा है अगेन टू तो आप क्या करोगे वन टू उसके बाद नीचे भी टू है वन टू अब आप इन दोनों स्टिक्स इन दोनों लाइंस को प्लस करेंगे वन टू थ्री फोर ओके ये आपका आंसर आ गया फोर ये बच्चे को पता है अभी यूकेजी से जो बच्चा आया होगा फर्स्ट में उसको ये पता होगा तो बच्चा इसे पहले आसानी से समझेगा आप जब भी समझाओ बच्चों को इस तरीके से पहले समझाओ उसके बाद आप बच्चे को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बच्चे को माइंड में कैलकुलेट करना और फिंगर्स पे करना सीखना बहुत जरूरी है अब ये आप कैसे करेंगे यहां आ जाइए अब है सिक्स सिक्स के नीचे है नंबर जीरो जैसा कि आप देख सकते हो जीरो के आगे पीछे कुछ भी नहीं है जीरो मीन्स जीरो अभी उसके आगे पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे उसका वैल्यू अभी कुछ भी नहीं आ रहा तो किसी भी नंबर के साथ जब हम जीरो को प्लस करते हैं हमें वही नंबर मिलेगा मान लो मेरे पास अभी सिक्स फिंगर्स हैं। सिक्स फिंगर्स के साथ मैंने जीरो फिंगर और प्लस करी जीरो मतलब कुछ भी नहीं तो मेरा आंसर तो सिक्स ही रहेगा ना सिक्स के साथ मैंने जीरो प्लस किया दैट मीन्स आई विल गेट सिक्स ओनली ठीक है ये याद रखना ऊपर वन डिजिट नंबर और नीचे जीरो है सिंपल जीरो और कुछ भी आगे पीछे नहीं है देन यू विल गेट द सेम नंबर जो ऊपर लिखा है वही लिखोगे अब यहां आ जाइए आप नंबर फोर पर यू कैन सी फाइव प्लस फाइव एक तो आप ये लाइन मेथड कर सकते हैं बट अब आपको मैं दूसरा टेक्निक बता रही हूं एक नंबर को जो भी बड़ा नंबर होगा उसको आप माइंड में रखो फर्स्ट ऑनवर्ड्स अगर आप इस तरीके से बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे को और ज्यादा आसानी होगी ठीक है बड़े नंबर को आप माइंड में रखो अब यहां पर तो दोनों नंबर सेम है तो आप किसी भी एक नंबर को माइंड में रखो फॉर इंस्टेंस मैंने ये ऊपर वाले फाइव को माइंड में रखा अब जो बचे हुए फाइव हैं उसको मैं अपने फिंगर्स पे काउंट करूंगी ओके वन टू थ्री Four, five. ओके आई विल डू लाइक दिस One, two, three, four, five. ओके okay? आप इस तरीके से बच्चे को कराना एक फाइव आपने अपने माइंड में रखा है और एक फाइव को आपने फिंगर्स पे काउंट करा तो अब आप क्या करोगे उस फाइव के साथ ये जो फाइव फिंगर्स है बच्चे को बोलो आप उसे ऐड करेंगे मतलब जो फाइव आपके माइंड में है उसके बाद आप सिक्स से काउंटिंग स्टार्ट करो अपने फाइव फिंगर्स को काउंट करके 5 हो गया माइंड में सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके लाइक दिस यू गॉट दी आंसर टेन फाइन अब आइए अगले एक्साम्पल पर दैट इज सेवन प्लस टू ओके सेवन प्लस टू अब आप बड़े नंबर को देखो कौन सा है इसमें बड़ा नंबर दैट इज नंबर सेवन सो यू विल कीप सेवन इन योर माइंड and then you will take out two fingers okay after seven you will take out two fingers so we will count seven then eight nine okay like this we will get the answer nine now let's do the next one that is 4 plus 4 okay you can see both the numbers are same so you can keep any number in your mind and then Take out four fingers. four is in your mind now, one, two, three, four. okay, after four, I'll be counting rest four, okay? That is five, six, seven, eight. so I got the answer eight. Isn't it easy? Now, let's do the next one that is eight plus two. Now I'll keep eight in my mind. देन आई विल टेकआउट टू फिंगर ओके आफ्टर एट आई विल काउंट नाइन टेन इज इंट एट ईजी इसमें आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा लाइन्स ड्रॉ वगैरह करके और ये आगे भी आपको बहुत यूजफुल रहेगा क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा द वे ऑफ लर्निंग शुड इम्प्रूव पहले हम उनको एकदम से टफ चीज से नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते पहले हम उनको सबसे ईजी तरीका देंगे ताकि वो उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाए क्योंकि आपके बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है एडिशन क्या है सब्ट्रैक्शन क्या है नाउ दिस इज द करेक्ट मेथड टू टीच देम, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्री प्लस थ्री नाउ यू कैन कीप एनी थ्री इन योर माइंड एंड देन टेक आउट थ्री फिंगर्स वन टू थ्री ओके नाउ आई कीप थ्री इन माई माइंड एंड आई विल प्लस द रिमेनिंग थ्री थ्री Four, five, six. ओके सो we गॉट द आंसर six. ओके चिल्ड्रन सो यू कैन डू लाइक दिस यू कैन कीप द नंबर which इज बिग इन योर माइंड एंड द स्मॉल नंबर यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर जो बड़ा नंबर होगा उसको अपने माइंड में रखो और छोटे नंबर को उतने फिंगर्स तुम अपने काउंटिंग के लिए निकालो उसके बाद उस बड़े नंबर के साथ जो तुमने छोटे नंबर के फिंगर्स निकाले हैं उसको और प्लस करो दिस वे यू कैन डू द एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर एंड मेक श्योर अगर किसी नंबर के नीचे जीरो लिखा है देन यू विल गेट द सेम नंबर इफ इट इज एडिशन ओके आई होप यू अंडरस्टूड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो